आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेज में स्क्रीन पे दिख रहा है रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु रेलवे सामान्य अध्ययन। और आपको बता दें ये स्पीडी का सामान्य अध्ययन का क्लास है और इस ईयर के लगभग प्रीवियस ईयर मिलने वाले हैं आपको 1980 सेट आपको मिलने वाला है, प्लस 2022 का पूरा ग्रुप डी का पेपर आप इसमें डिस्कस करेंगे और पूरा इसमें चैप्टर वाइज सब कुछ हम लगभग डिस्कस कर चुके हैं। तो प्यारे साथियों बने रहें, आपको इसका बहुत ही बेहतरीन और चमत्कारिक फ़ायदा मिलने वाला है। प्यारे साथियों बने रहें, आज जो है इसमें हम राज्य दर्शन करने वाले हैं। राज्य दर्शन में कौन सा तीन मैं पहले ही बात कर चुका हूँ यूनियन टेरिटरी के बारे में। आज जो है राज्य दर्शन में राजस्थान प्लस जो है कई पेपर के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आरआरबी गुवाहाटी मिलने वाला, आरआरबी सिंगरा सिकंदराबाद और आरआरबी कई आरआरबी के क्वेश्चन आपको आरआरबी कोलकाता मिलने वाला, आरआरबी भोपाल मिलने वाला है। तो प्यारे साथियों आपको बहुत ही ये हेल्पफुल साबित होगा, तो बने रहें हमारे साथ। और पिछले वीडियो हमने जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जाना था, तो बने रहें। देखिए पहला ही आपको दिख रहा है आरआरबी गुवाहाटी के बारे में, फिर राज्य दर्शन तो हम देखते ही रहेंगे। आज हम तीन राज्यों का दर्शन करेंगे। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत है ये बात पूछा गया था, वहीं पर भारत के संविधान में भारत को क्या कहा गया है, राज्यों का संघ है के रूप में किसके रूप में वर्णित किया गया है, तो राज्यों के संघ के रूप में। और मछलियों के यकृत में कौन सा पाया जाता है, तो विटामिन डी पाया जाता है। और वहीं क्षुद्र ग्रह जो है मंगल तथा बृहस्पति के बीच होते हैं, किसके किसके बीच, मंगल तथा बृहस्पति के बीच। तुलबुल परियोजना जो है किस नदी पर है, झेलम नदी। और वहीं बाबर नामा किस के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे बाबर हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को। वहीं प्रकाश वर्ष किसका है, तो आप बताइए कि दूरी का मात्रक क्या है प्रकाश का, और वहीं दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा, तो पारसेक होता है। मानव शरीर में सामान्य तापमान सेल्सियस में 37 और फारेनहाइट में कितना, 98 जो है 6 और केल्विन में वैध पूछा जाए तो 310 केल्विन, कितना 310 केल्विन, तीनों आपको याद कर लेना है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान। अंतिम मुगल सम्राट कौन सा, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय जिसका नाम है। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो पता महात्मा गांधी द्वारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया था। और राशियों की कुल संख्या कितनी है, तो बताओ 12 है राशियाँ। और एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन ही होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, ये चीज़ याद रखना है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा, तो शुक्र ग्रह, भोर का तारा, शाम का तारा, भगनी ग्रह, ये सब किसे, शुक्र को ही कहा जाता है। बिंदुसार मौर्य वंश का क्या था, शासक था। लिंगराज मंदिर कहाँ, तो भुवनेश्वर में स्थित है। और वहीं पर बात करते हैं मकाऊ की मुद्रा क्या है, तो पटाखा है। मकाऊ मुद्रा क्या है, तो बताओ पटाखा। सिनेमाघरों का आविष्कार किसने किया था, सिनेमा का आविष्कार निकोलस जीन लुथिए ने किया था सिनेमा का आविष्कार, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया तो उसको आप जरूर नोट कर लें। और वहीं पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा, तो बताओ चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अब बात करते हैं कोलकाता आरआरबी कोलकाता 1993 की। हर्ष का राज कवि कौन था, आप बताएंगे वार्ड भट्ट था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने, एडवर्ड टेलर ने किया था। और विश्व स्वास्थ्य दिवस का मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 तो स्वास्थ्य याद कर लीजिए इजीली। दक्षिण अमेरिका को चरागाह किसे कहा था, तो पम्बास को जो है चरागाह के रूप में जाना जाता है। प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने, किसने स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, तो बताओ यूनानियों ने पहली स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। और वहीं पर राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बहरुद्दीन तैयब जी थे। और वहीं राज्य अपहरण नीति किसने लागू किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है अपहरण की अपहरण नीति लागू किया था। अब बात करते हैं आर्थिक अपक्षय का सिद्धांत या ड्रेन थ्योरी की, पैसे के धन ड्रेन की थ्योरी किसने दिया था, तो नौरोजी ने दिया था। इसे बोलता आर्थिक अपक्षय का सिद्धांत या ड्रेन थ्योरी कहा जाता है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती, 12 सदस्य जो है कि कौन चुनता है, तो राष्ट्रपति। सोंडा जल समरी जो है जल डमरू मध्य जो है जावा तथा सुमात्रा के मध्य हैं। और वहीं राष्ट्रीय आय का आकलन जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ, तो वाशिंगटन DC में है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। अर्थशास्त्र का जनक कौन थे, तो आप बताएंगे एडम स्मिथ थे। अब चलते हैं राज्य दर्शन राजस्थान के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें राजस्थान से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपको मिलने वाली हैं। राज्य कौन सा, राजस्थान। इसकी स्थापना कब हुई थी, 3 मार्च 1949 को। राजधानी क्या है, आप बताएंगे जयपुर। क्षेत्रफल आप बताएंगे 342,249। जनसंख्या 6.85 करोड़ जो है, सातवां जो है जनसंख्या के स्थान पर है, सातवां स्थान है इसका। पुरुष कितने हैं, 3.55, महिला कितने, 3.29 है।
जनसंख्या घनत्व यानी कि 200 व्यक्ति पर वर्ग यानी एक किलोमीटर में जो है लगभग कितने 200 वर्ग रहते हैं। लिंगानुपात कितनी है यानी 1000 पुरुषों में मात्र जो है 928 महिलाएं ही हैं। साक्षरता 66 पुरुष कितने 79% पड़े हुए हैं और वहीं महिला कितना 52.1%। सीमा उत्तर प्रदेश, उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में जो है हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में जो है मध्य प्रदेश व दक्षिण पश्चिम में क्या है गुजरात है। तो इसको आप देख सकते हैं, आप मैप जरूर रखें सब चीज़ का। राज्य की स्थापना कब होगा, 30 मार्च को स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजभाषा क्या है, हिंदी है। राजकीय पशु कौन सा चिंकारा है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो गोंडा वण है। और राष्ट्रीय फूल कौन है, रोहिड़ा है। एक चीज़ इसमें, जिला कितने हैं 33 हैं। यूपी में 75 तो लगभग सभी लोग जानते हैं। उच्च न्यायालय कहाँ पर, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में है। विधानसभा सीटें कितनी 200 हैं। लोकसभा सदस्य संख्या कितनी 25 है। राज्यसभा में कितने सीटें हैं, तो बताओ 10 हैं। और प्रथम राज्यपाल कौन से, गुरमुख निहाल थे। और प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, हीरा लाल शास्त्री थे। प्रमुख नृत्य कौन सा, डांडिया पनिहारी है प्रमुख नृत्य यहाँ का है। और प्रमुख जनजातियाँ कौन सी, भील है, गरसियाँ हैं, सहरियाँ हैं। प्रमुख चोटियाँ अरावली, गुरु शिखर ये जो है। और प्रमुख स्थल कौन सा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, सास बहु मंदिर, एक लिंग मंदिर, आमेर का किला जयपुर वाला, और वहीं पर नागरगढ़ का किला जो है बीकानेर में है। बटनेर का किला, अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है, ख्वाजा मोइनुद्दीन का दरगाह जो है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, दोनों कहाँ पर है, तो बताओ अजमेर में ही है। और हवा महल, जल महल ये सब कहाँ, जयपुर में है। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर अजमेर में है। तो ये सब चीज़ें आप एक बार जूम इन कर दे रहा हूँ, इनको ज़रूर आप स्क्रीन शॉट ले प्रमुख स्थलों की, क्योंकि प्रमुख स्थल से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अब अभ्यारण्य के बारे में जान लेते हैं। देखिए अभ्यारण्य कौन से हैं, केवला देव घाना जो है भरतपुर में है, सरिस्का कहाँ अलवर में है, सीता माता मंदिर जो है, सीता माता जो है अभ्यारण्य कहाँ चित्तौड़गढ़ में है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, और जय समंद जो है जयपुर में है। क्षेत्रफल के स्थान पर सबसे बड़ा स्थान कौन सा, राजस्थान है। और गोकुल भाई भट्ट को जो है राजस्थान की गांधी कहा जाता है, राजस्थान की गांधी किसी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। अब वहीं पर देखिए गुलाबी शहर किसे कहते हैं, गुलाबी शहर आप बताएंगे, राजस्थान को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। वही अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है, अजमेर को। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो बताओ अजमेर जैसलमेर है। तथा सबसे छोटा जिला कौन सा, धौलपुर है। दोनों चीज़ें आपको याद करना है, सबसे बड़ा कौन सा जैसलमेर, सबसे छोटा धौलपुर है। सबसे बड़ी खारी पानी की झील कौन सा, सांभर झील है। और वहीं विजय स्तंभ तथा कीर्ति स्तंभ जो है कहाँ, चित्तौड़गढ़ में स्थित। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ दोनों कहाँ है, तो बताओ चित्तौड़गढ़ में। अब भारत में 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु बम प्रक्षेपण जो हुआ था कहाँ पर हुआ था, पोखरण राजस्थान में हुआ था। और किस थार के रेगिस्थान का रेगिस्थान कहाँ पर, तो आप बताओगे ये भी कहाँ है, तो राजस्थान में है। बने रही, अब हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, आरआरबी सिकंदराबाद से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, तो बने रहें। देखिए शिक्षा जो है समूर्ति सूची के किस अंतर्गत आता है, तो बताओ समूर्ति सूची। इंडिया हाउस कहाँ पर है, तो बताएं लंदन में है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड है। और रासायनिक सूत्र N2O है। और भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ, 1973 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो बताओ विशाख दत्त हैं। रूसी क्रांति कब हुई थी, 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में जो है अध्यक्ष प्रमाणित करता है। मोनाजाइट थोरियम का आयस्क है, किसका, थोरियम का। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन से, रॉबर्ट वॉलपोल थे। और वहीं पर आज़ाद हिंद फौज का गठन कितने, 1942 ईस्वी में हुआ था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन थे, आप बताओ इब्राहिम लोदी। लोदी वंश के अंतिम शासक कौन है, इब्राहिम लोदी। गरसोप्पा जोल प्रपात कहाँ, शरावती नदी पर है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान कहाँ पर, गोवा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म जो है अम्बाला में स्थित, कहाँ पर, अम्बाला में। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता, तो उपराष्ट्रपति होता है। और वहीं पर प्रतिवर्ष सेना दिवस जो है 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। रक्तचाप या दाब जो है धमनियों में उच्च, कहाँ पर वो सबसे उच्च होता है, तो बताएंगे धमनियों में। और चक्रवात जो है निम्न दाब के कारण आता है, किसके कारण निम्न दाब। भारत में प्रथम रेल जो है डलहौजी के शासनकाल में चला था 1853 में। अब जो है अरबी भोपाल 1995 देखेंगे। 1956 में पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है अकबर और हेमू के मध्य हुई थी। मानसरोवर झील जो है तिब्बत में स्थित है, मानसरोवर कहाँ पर, तिब्बत।
और 56 वाला दूसरी पानीपत की अकबर तथा किसके बीच, हेमू के बीच, आपको कमेंट बॉक्स में बताना प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था। मानसरोवर झील कहाँ पर, तो तिब्बत में। अब तुंगभद्रा नदी किनारे क्या है, तो बताओ कि विजयनगर तुंगभद्रा नदी किनारे है। और यहीं पर बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी, तो बताओ बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है, तड़ित चालक जो है विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज जो है वायरस के द्वारा होता है। मानव शरीर का रक्तचाप कितना होता है, 120/80 mmHg होता है। शहद में मुख्यतया क्या होता है, आप बताएंगे कार्बोहाइड्रेट होता है। वहीं पर संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत में राज्यों का संघ कहा गया है। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर, जम्बेजी नदी पर है। हीरे का चमकना किसके कारण, प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। रजिया किसकी, इल्तुतमिश की बेटी थी। सर्वाधिक सोने शुद्ध सोने के सिक्के जो है कोसार वंश में चलाए गए थे। और सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है, तो नाभिकीय संलयन होता है। और वहीं पर सिख गुरु गुरु अंगद देव ने जो है गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। गुरु नानक की जीवनी किसने, गुरु अंगद देव ने लिखी थी। रोम टाइवर नदी के किनारे स्थित है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा में धन विधेयक जो है 14 दिनों के अंदर लौटाना ही होता है। चोल राजाओं की राजधानी क्या थी, तो तंजौर थी। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में, आप देखने वाले हैं तमिलनाडु का राज्य दर्शन करेंगे, उसके साथ भोपाल का देखेंगे, भोपाल के साथ साथ जो है अरबी कोलकाता देखेंगे, मुंबई देखेंगे और चंडीगढ़ देखेंगे। अभी हम एक और केरल, 3 राज्यों का राज्य दर्शन आज हम करने वाले हैं, तो बने रहें। अब अरबी भोपाल से क्वेश्चन है, भारत में अंतरिक्ष आयोग की, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी। अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग दोनों की स्थापना कब हुई, तो 1972 में हुई थी। और पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को जो है किसने, गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। किसने, गंग वंश के शासकों ने बनाया था। बांग्लादेश में जो है गंगा नदी को जो है पद्मा के नाम से जाना था। किसके, पद्मा के नाम से। हैदराबाद सिकंदराबाद को क्या कहा जाता है, जुड़वा शहर। किसे जुड़वा शहर कहा जाता है, तो आप बताओ हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों जो है बाद राबाद लिखा, यहाँ पर राबाद लगा, तो इजीली आप याद कर सकते हैं। अब बताएं महाभारत का प्राचीन नाम क्या था, तो जय संहिता था। और वहीं पर प्राचीन वेद कौन सा, तो ऋग्वेद है। और वहीं पर बात करते हैं राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति को। हजामती दर्पण जो है किसका बना होता था, अवतल दर्पण का बना होता है। और तानसेन का असली नाम जो है राम तनु पांडे था। खजुराहो मंदिर कितने वर्ष पुराना, 1000 वर्ष पुराना खजुराहो मंदिर। और इसको कितने चंदेल शासकों ने बनवाया था। हाथीगुम्फा उड़ीसा राज्य में स्थित, जिसे खारबेल ने बनवाया था। हाथीगुम्फा किस उड़ीसा राज्य में स्थित था, इसको राजा खारबेल ने बनवाया था। गोकक झरना जो है बेलागावी में जो है कर्नाटक में स्थित है, गोकक नदी पर ही बना हुआ है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है, एसोटू तथा एनोटू के कारण अम्लीय वर्षा होती है। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन से, पर्ल यस बक जो है गुड अर्थ के लेखक हैं। प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सा, तो पृथक युद्धक मिसाइल आप बताएंगे पृथ्वी है। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, जलालुद्दीन अकबर थे। वहीं पर आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में हुआ था, एक्जिम बैंक जिसे कहते हैं। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने, 1948 में हुआ था ट्रांजिस्टर का आविष्कार। आरआरबी कोलकाता जो है, अब बात करेंगे अकबर का राजस्व मंत्री कौन थे, यानी वित्त मंत्री कह सकते हो, तो आप बताओगे टोडरमल थे। और वहीं पर बात करते हैं ध्रुवीय व्यास पृथ्वी का 12,714 किलोमीटर है। लोहे का निष्कर्षण किसे, हेमेटाइट से किया जाता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा, तो मुंबई बंदरगाह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारतीय तंत्र की संकल्पना सबसे पहले किसने दिया था, ट्रांजले ने, एजी ट्रांसले ने दिया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। संविधान सभा का कैबिनेट मिशन जो है 16 मई 1946 को सिफारिश पर हुआ था, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सिफारिश। प्रथम नागरिक किसे, राष्ट्रपति को। धोनी की को जो है डेसिबल में, किसे डेसिबल में मापा जाता है। गांधी जी को जन्म जो है गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गुप्त वंश का शासक कौन है, तो श्री गुप्त हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो बताओ टाका है, टका है। सिनेबार किसका, तो बताए पारे केस को क्या कहा जाता है, सिनेबार कहा जाता है। करो या मरो का नारा किसने, महात्मा गांधी जी ने दिया था। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी थी। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण, जंगलों का जो है कटना मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण है। हेलिबिट का मंदिर, भव्य मंदिर जो है किसने, होयसलों के द्वारा स्थापित किया गया था हेलिबिट का। चाय अत्यधिक ठंडे प्रदेश क्षेत्रों में ही उगाई जाती है। चाय कहाँ पर, जहाँ ठंडे प्रदेश होते हैं वहीं उगाई जाती है। कांच से गुजरने वाले जो है प्रकाश को बैंगनी रंग जो है गति धीमी होती है। बैंगनी रंग की क्या होती है, गति धीमी होती है। अब राज्य दर्शन के रूप में हम क्या देखने वाले हैं, तो आप बताएंगे तमिलनाडु का राज्य दर्शन करने वाले हैं। देखिए
इसमें क्या है, राज्य कौन सा, इसमें तमिलनाडु। राजधानी क्या है, चेन्नई। पहले चेन्नई का नाम क्या था, पुराना मद्रास था। क्षेत्रफल जो है 1,30,058 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 7 करोड़, 7.1 करोड़। पुरुष जनसंख्या कितनी है, 3.61। महिला जनसंख्या कितना, 3.60 है। और वहीं पर जिले कितने हैं, तो 38 जिले हैं। जनसंख्या कहना तो 555 पर देखिए कितना बेहतरीन है, 555। बीड़ी भी आपने सुना होगा, 555 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। महिलाएं कितने, 996 प्रति 1,000। 1,000 पुरुषों पर 996 महिलाएँ हैं। और 80% साक्षरता टोटल है, पुरुषों में 86 और महिलाओं में 72%। और सीमा किससे लगती है, देखिए उत्तर में जो है आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक से, और वहीं दक्षिण में हिंद महासागर, और पूरब में जो है बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में केरल तथा कर्नाटक है। तो इजली याद कर सकते। मुख्य भाषा क्या है, यहाँ का तमिल है। उच्च न्यायालय कहाँ, चेन्नई में है। राज्य दिवस 14 अप्रैल को। पर्यटन केंद्र कौन सा, कोडाईकनाल के पर्वतीय स्थान ऊटी जो है यहीं है तमिलनाडु में। कन्याकुमारी कहाँ है, चिदम्बरम का नटराज मंदिर, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, और मीनाक्षी का मीनाक्षी मंदिर मदुरै। मरीना बीच, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान, ये सब क्या है, तो बताओ पर्यटन केंद्र हैं। प्रमुख त्यौहार कौन सा, पोंगल है। पोंगल कहाँ का, तमिलनाडु का है। और नौका पर भी यहीं का है। राजकीय पशु नीलगिरी ताहर है, राजकीय पक्षी ताबिल है। विधानसभा एकल सदन, यहाँ पर क्या है, एकल सदन है, तो विधानसभा ही होता है, विधान परिषद नहीं होता। विधानसभा में 294 सदस्य होते हैं। लोकसभा में 39 हैं और राज्यसभा में कितने हैं, 18 हैं। तमिलनाडु को दक्षिण भारत का संतरी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत का संतरी किसे, तो बताओगे तमिलनाडु को। प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य भूमि दक्षिणी नोक जो है केप कमोलिन तमिलनाडु में ही स्थित है। अब बात करते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में जो है मद्रास राज्य का गठन हुआ था। दिसंबर 1968 को मद्रास का नया नाम तमिलनाडु कर दिया गया था। पहले इसका नाम तमिलनाडु का क्या था, मद्रास था, बाद में इसी का नाम तमिलनाडु कर दिया गया था। श्रीमती एनी बेसेंट के थियोसोफिकल का प्रधान कार्यालय भी कहां पर है, एनी बेसेंट अडियार मद्रास में ही है। मद्रास चेन्नई को कहा जाता है। अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा, कोयम्बटूर है। सबसे कम जनसंख्या पेरम्बूर है। और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो है तिरुचिरापल्ली है। और सबसे कम क्षेत्रफल कहाँ, तो चेन्नई में है। तमिलनाडु में मंदिरों का पूर्ण भूमि कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मंदिरों का पूर्ण भूमि किसे तमिलनाडु को कहा जाता है। मंदिरों का शहर भी तमिलनाडु को ही कहा जाता है। राज्य मद्रास का नाम चेन्नई 1996 में किया गया था। तमिलनाडु के प्रमुख पर्वत शिखर क्या है, दोदाबेटा है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में स्थित है, कहाँ, पेरम्बूर में। ईस्ट इंडिया कंपनी 1611 में अपनी जो है फैक्ट्री लगाई थी, कहाँ, तमिलनाडु में। बने रहे राज दर्शन के साथ साथ, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम राज दर्शन देखेंगे, यानी तीन राज्यों से चार राज्यों का राज्य हम दर्शन करेंगे आज। राज्य की करेंसी क्या है, एन है। चीन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और वहीं बेसिन की संधि जो है अंग्रेजों और पेशवा के मध्य हुआ था, बेसिन की संधि। फलों का उत्पादन को क्या कहा जाता है, पोमोलॉजी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो आप बताएंगे सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बिहू असम का जो है प्रमुख त्यौहार है। बाखड़ा नागल बांध कहाँ, सतलज नदी पर स्थित है, ये पूछा गया बाखड़ा। अर्जुन पुरस्कार कब दिया जाने लगा, तो 1961 में। ध्यानचंद जी स्टेडियम कहाँ पर, तो लखनऊ में ध्यानचंद स्टेडियम है, मेजर ध्यानचंद। टीपू सुल्तान किसका शासन, मैसूर का शासन था। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। बटरफ्लाई शब्द जो है तैराकी से है। एक अश्वशक्ति में कितने, 746 वाट के बराबर होता है। आगरा किले के अंदर जो है मोती मस्जिद जो है किसने बनवाया था, शाहजहाँ ने बनवाया था। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर, सासाराम में है। रांगा जो है टाका टीन तथा सीसा से मिश्रधातु है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन सा, मिहिर सेन था। और वहीं पर राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर है, तो कोलकाता में स्थित है। गौतम बुद्ध को एशिया का रोशनी कहा जाता है, एशिया का ज्योतिषपुंज कहा जाता है। बादीपुर कहाँ पर है, तो होता है कर्नाटक में, बादीपुर जो है राष्ट्रीय उद्यान। अब चलते हैं बात करते हैं चंडीगढ़ 1995 के। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो चमड़े का थैला होता है। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर, गुजरात राज्य में स्थित है। अब बात करते हैं, देखिए राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार जो है दिया गया था प्रथम बार, तो मदर टेरेसा को। रबर एक क्या है, प्राकृतिक बहुलक है। गेट का पूर्ण रूप क्या होता है, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ फुल फॉर्म होता है। गेट को ही बाद में 1995 में WTO कर दिया गया था। संयुक्त राज्य संघ की स्थापना न्यूयॉर्क में, इसकी स्थापना कब हुई थी, गेट की, तो 1947 में इसकी स्थापना हुई थी, ये चीज़ें याद कर लेना है। चकमा जो है शरणार्थ कहाँ की, बांग्लादेश से शरणार्थियों संबंधित है। सार्क का मुख्यालय कहाँ, काठमांडू में है।
कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अब बात करें विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका, मृद लोहा का प्रयोग किया जाता है। टी जो है शब्द किससे, टी आप बताएंगे गोल्फ से संबंधित है। बॉय स्काउट आंदोलन किससे संबंधित, बेडन पॉवेल से संबंधित है। ये सेलुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन सा, अरुण सौरी हैं। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस्पात संयंत्र वात्या भट्टी पर आधारित था, तब ढलवा लोहा बनाया जाता है इससे। माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन है, तो बताओ ग्राहम बेल हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट इसमें आपको मिलने वाला है केरल का राजदर्शन, और केरल के साथ साथ हम जो है कई राज्य जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश अशोक ने बनवाया था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। पूर्वी घाटी तथा पश्चिमी घाटी का मिलन स्थल किसे, नीलगिरी को कहा जाता है। अब बात करते हैं लावणी तथा तमाशा जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। प्रसिद्ध संगीत तानसेन जो है अकबर के दरबारी थे, और यूनिसेफ जो है मुख्यालय कहाँ पर, न्यूयॉर्क में स्थित है। गेट की जगह जो है WTO विश्व संगठन की स्थापना जो है 1995 में भी बात हो चुकी। देखिए प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किया था। मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की, तो अकबर ने प्रारंभ किया था। एलोरा और एलिफेंटा जो है शैलकृत चैत्य जो है राष्ट्रकूट काल की है। गुरु तेग बहादुर का वध जो है औरंगजेब ने करवाया था। चीन में लाल क्रांति 1949 में हुई थी, लाल क्रांति। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में। चोल वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी जो है विश्व का सबसे छोटा देश। लखनऊ को पहले अवध की राजधानी क्या थी, फैजाबाद हुआ करती थी। नागार्जुन सागर श्री सैलम अभ्यारण आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण है। और इराक की मुद्रा क्या है, तो दीनार है। अब बात करते हैं RRB भोपाल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। ध्वनि की तरंगे कहाँ नहीं चल सकती, तो निर्वात यानी वैक्यूम में नहीं चल सकती हैं। ग्रामीण विकास संस्थान RDI की स्थापना, संस्थान के मुख्यालय कहाँ पर, तो बताओगे हैदराबाद में। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है, अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसा दिखाई, तो बताओ काला दिखाई पड़ता है। भारत में जलवायु कैसी होती, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। बल्ब किसका बना होता, बल्ब का तंतु जो है यार फिलामेंट कहते हैं, टंगस्टन का। खून की कमी से हीमोग्लोबिन को दर्शाता है, खून की कमी इसका मतलब है निम्न हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है। रक्तदान BP मापने वाली यंत्र को स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन से, काली मिट्टी या इसी को रेगुल मिट्टी या इसी को काली मिट्टी को ही स्वतः जोती हुई मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। BD सावरकर 1857 में विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा जाता है। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप कौन सा, तो ब्रिटेन से लिया गया था। संसदीय स्वरूप कहाँ से, ब्रिटेन से। पूना समझौता का लक्ष्य जो है निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना था, इसका मतलब था यानी कहते आरक्षण की बात की गई थी SC के लिए। अब बात करते केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन लेता है, तो प्रधानमंत्री ही लेता है। यानी मंत्री कौन बनेगा, यह सब किस पर निर्भर करेगा, प्रधानमंत्री। टेस्ट क्रिकेट के प्रयोग होने वाले गेंद का वजन 5.5 औंस होता है। चीन में लाल क्रांति जो है माओत्सो तुंग के नेतृत्व में हुआ था। पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा, तो पाकिस्तान के साथ राजस्थान सबसे अधिक सीमा साझा करता है। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, सुपीरियर झील। और सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, बेबीलोन में हुई थी। अब राज्य दर्शन केरल मिलने वाला है। आज हम जो है चार राज्यों का राज्य दर्शन कराने वाले हैं, और इसके साथ महाराष्ट्र का भी राज्य दर्शन आप देखेंगे, बने रहें आप। अब केरल के बारे में बात करते हैं। केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम है। क्षेत्रफल कितना है, 38,863 किलोमीटर। जनसंख्या 3.34 करोड़। पुरुष जनसंख्या कितना है, 1.60। महिला जनसंख्या 1.73। महिलाओं की जनसंख्या पुरुष से ज़्यादा है, यहाँ पर देखिए। जनघनत्व कितना है, 860 वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात 1,084 महिलाएँ यहाँ पर हैं, 1,000 पुरुष पे 1,084 हैं। साक्षरता दर कितनी है, 94% है। पुरुष कितना, 96% है। महिला कितनी है, तो 92% है। सीमा आप जानते किससे किससे, पश्चिम में अरब सागर है, और वहीं पर उत्तर पूर्व में कर्नाटक है, पूर्व में तमिलनाडु है, तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। अब बात राजभाषा यहाँ का कहा है, मलयालम है। राजभाषा क्या है, तो बताएं मलयालम है। राजकीय पशु क्या है, तो शेर पुंछ बानर है। राजकीय पक्षी भृंगराज या द्विपुंछ अंगराकक है। जिला कितने हैं, 14 हैं। उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में है, और वहीं पर कुल वन जो है 28.9% भाग पर है। प्रमुख लोक कथक कली मोहिनीअट्टम है।
ओणम त्यौहार है यहाँ पर। पोंगल कहाँ का था? तमिलनाडु का था। केरल का है ओणम। पर्यटन स्थल कौन सा? टेक्कड़ी यानी पेरियार का जो है, पेरियार का वन्य प्राणी विहार। अब वहीं पर बात करते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ, देखिए पूरा हम पर्यटन को दिखा देते हैं इसमें। देखिए इसमें सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी टेक्नोलॉजी एर्नाकुलम में स्थित है। उपग्रह ट्रैकिंग व रेजिंग केंद्र कहाँ? कालनडूर में है। प्रथम राज्यपाल कौन थे? राम वर्मा थे, श्री राम वर्मा। और वहीं पर प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? EMS नंबूदरी पाद थे यहाँ के। विधान मंडल क्या है? एक सदनात्मक है। और इसमें कितना विधानसभा सदस्य संख्या? 141 है। राज्यसभा में कितने? 20 हैं। लोकसभा में कितने? 20 हैं। और राज्यसभा में कितनी है? तो बताओ 9 सदस्य हैं टोटल। अब बात करते हैं राज्य दिवस कब मनाया था? 1 नवंबर को। कब स्थापित होता? 1 नवंबर 1956 में। भारत का पहला पूर्ण साक्षर शहर कौन सा है? केरल का कोटायम है। पूर्ण साक्षर शहर कौन सा? तो कोटायम है। पूर्ण साक्षर जिला कौन सा? तो एर्नाकुलम है। केरल का दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। दक्षिण का कश्मीर किसे? केरल को कहा जाता है। और केरल को मसालों का शहर भी का प्रदेश कहा जाता है। मसाले उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? मलप्पुरम जो है सबसे बड़ा। वहीं पर बात करते हैं सबसे कम जनसंख्या वायनाड में है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा? इडुक्की है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो बताओ अल्लापूजा है। अरब सागर की रानी किसे? कोचीन को। केरल का एक जिला है, कोचीन को कहा जाता है। सट्टा मकोटा जो है झील कहाँ? केरल में है। सेनकोट्टा दर्रा भी जो है वहीं पर है। कोचीन जो है एक प्रमुख बंदरगाह कहाँ का है? केरल का है। अब यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, बने रहें। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए विटामिन ए आँखों के लिए जो है बहुत अच्छा है, होता है यानी आँखों के लिए फायदेमंद विटामिन कौन सा? विटामिन ए है। गीता सेठी किससे? बिलियर्ड से संबंधित है गीता सेठी। और वहीं पे विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। डायनामाइट का मुख्य रूप से क्या? नाइट्रोग्लिसरीन कहा जाता है। राज्यसभा की एक तिहाई जगहों को भरने के लिए जो प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है चुनाव होते हैं। विश्व एड्स दिवस कितना? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। पीट संप्राज का संबंध किससे? टेनिस से है। आवेश की मात्रा क्या होता है? एम्पियर पर सेकेंड होता है, एम्पियर सेकेंड होता है। भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? मेरा भारत महान है। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के लेखक कौन है? श्याम बेनेगल हैं। कौन से हैं? श्याम बेनेगल हैं। फलीदार पौधों में जड़ में क्या? राइजोबियम पाया जाता है, यानी कि जो दलहनी पौधे उसमें राइजोबियम पाया जाता है। आयरन लौह की कमी से क्या होता है? शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। ओपन स्काई पॉलिसी का संबंध विमान सेवाओं की अनुमति से है। चमगादड़ जो है क्या है? एक स्थानदारी है। अब पक्षी न कहिएगा, स्तनधारी है एक प्रकार का, कि ये बच्चे पैदा करता है। सातवाहन का संबंध किससे? आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र से है। शुंग वंश की स्थापना पुष्पमित्र शुंग ने किया था। कल्लड़ जो है राज तंगरी जम्मू कश्मीर का इतिहास। बाघ गुफा जो है कहाँ पर? मध्य प्रदेश के धार जिले में है। अब बात करते हैं महाबलीपुरम का रॉक कट मंदिर जो है नरसिंह वर्तम प्रथम ने बनवाया था। कवि हरसेल जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। होलसेल जो है हेलीवेड में स्थित है मंदिर। नवरत्नों का संबंध अकबर से है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। ओजोन जो है पारे तथा चांदी को प्रभावित करता है। ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिबल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ऑक्सीजन नहीं होता इसमें। और वही मूँगफली में विटामिन क्या पाया? विटामिन B1 सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। काला पैगोडा जो है कोणार्क में स्थित है। और वही तिराना क्या है? अल्बानिया, एक तिराना अल्बानिया देश की राजधानी है। भारत में मुख्य लड़ाकू टैंक कौन सा? अर्जुन है। गुगली जो है क्रिकेट से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम जो है लॉन टेनिस से संबंधित है। और वहीं चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज थर्ड था। किसानों को उत्तर पश्चिम में भारत को जीत कर 100 वर्ष, किसानों ने 100 वर्ष तक राज किया था उत्तर पश्चिम भारत को जीत कर। इंसुलिन की खोज किसने किया? बैटिंग ने किया था। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं नेक्स्ट राज्य जो आपको महाराष्ट्र मिलने वाला है। एक बार मैं जूम इन कर दे रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनको देख लीजिएगा और आगे हम राज्य दर्शन में प्रीवियस ईयर एक बार हम जूम करके भी इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर देने कि आप इजीली इनको रोक के पढ़ सकें। और राज्य दर्शन तो हम कराएंगे ही कराएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं। महाराष्ट्र जो है की राजधानी क्या है? तो बताएंगे मुंबई है। क्षेत्रफल कितनी है इसमें? 3,07,717 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 11 करोड़ है। पुरुष कितने हैं? तो 5 करोड़ 82 लाख। महिलाएं कितनी हैं? 5 करोड़ 41 लाख।
जनघनत्व तो कितना है, डेंसिटी कितनी है 565, 1000 पे 929 महिलाएं हैं, साक्षरता 82%, पुरुष 88%, महिलाएं 75%। वहीं पर मुख्य भाषा क्या है, मराठी है। मुख्य उत्सव क्या है, शिवाजी उत्सव, गणेश चतुर्थी है। पक्षी क्या है, गौर है। और राजकीय पक्षी क्या है तो बताओगे, पशु क्या है, गौर है। और पक्षी क्या है तो धूसर वन मुर्गी है। राज दिवस 1 मई को मनाया जाता है। जिला कितने हैं, 36 है। यहाँ पर 2 सदनात्मक है। यहाँ पर देखिए विधानसभा सदस्यों की संख्या 288, लोकसभा 48 है, और राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है तो 19 है। अब पर्यटन स्थल कौन कौन से, तो अजंता एलोरा आपने सुना होगा, अजंता एलोरा, एलिफेंटा, कन्हेरी की गुफाएं, महाबलेश्वर, पालघाट पर्वतीय केंद्र, नासिक, शिरडी साई बाबा मंदिर, तनसा अभयारण्य ठाणे में स्थित है, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान मुंबई में है, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है, बाबा परमाणु संस्थान ट्रांबे में है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म स्पेंस सेंसर बोर्ड कहाँ, मुख्यालय मुंबई में है, तारापुर एटॉमिक मुंबई में है, करेंसी प्रिंटिंग कहाँ पर है, नासिक रोड पुणे में है। प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, वाई बी चौहान हुए। प्रकाश क्या थे, यहाँ पर श्री प्रकाश यहाँ के राज्यपाल थे। इसे 7 टापुओं का नगर किसे कहा था, तो आप बताओगे मुंबई को ही 7 टापुओं का नगर। वर्ष 1995 को मुंबई का नाम बदलकर, बम्बई का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया था 1995। मुंबई जो है बॉलीवुड, मुंबई को भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। और वहीं पर देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ, सांता क्रूज मुंबई में ही है। जनसंख्या में सबसे बड़ा जो है जिला कौन सा, मुंबई है। छोटा कौन सा, सिंधुदुर्ग है। क्षेत्रफल सबसे बड़ा जिला कौन सा, तो अहमदनगर है। और वहीं पर सबसे छोटा जो है मुंबई नगर ही है। कहते क्षेत्रफल का सबसे बड़ा जिला कौन सा, अहमदनगर, सबसे छोटा मुंबई नगर है। और सह्याद्री, सतपुड़ा, बालाघाट और पश्चिमी घाट जो है श्रृंखलाएँ महाराष्ट्र में ही स्थित हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा, मुंबई बंदरगाह है। महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय मुंबई में ही है। सिक्योरिटी प्रेस कहाँ, नासिक में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर, तो मुंबई में ही है, जिसकी निर्माण जो है 1911 में हुआ था। अब इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट जो है असम राजदर्शन देखेंगे, उसके साथ साथ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन असम के बाद धीरे धीरे करके उड़ीसा, सब चीज़ें हम कंप्लीट करने वाले हैं। प्यारे साथियों बने रहें, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।